बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, जितनी बात की जाए उतनी कम है। मैं आज अपना सुबह का ही और यहाँ आने तक का एक सत्संग है, वो बाद में शेयर करूंगी। बहुत ही पर्सनल गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है। गुरुजी के लिए बस सिर्फ इतना कह लें कि आप इस दरबार में पहुंच गए हैं तो इससे ऊपर और कुछ नहीं है। तिज जेवड अवर न कोई, इनके ऊपर कोई नहीं है, इनके आगे कोई नहीं है। यहाँ पहुंच गए मतलब हमारी सबसे अच्छी किस्मत है कि हम आज यहाँ बैठे हैं। ये बात शिव पुराण में भी लिख के आती है कि शिव भी अपने भक्तों को कभी कष्ट में डाल देते हैं, संकट में डाल देते हैं, पर ये नहीं कि वो उन्हें तंग करना चाहते हैं। वो इसलिए ताकि उन्हें वो आग में तपाकर सोना बनाना चाहते हैं और फिर वो ही उन्हें उस संकट से निकाल के सुख देते हैं। बस वो जो बीच का समय होता है ना, वो हमारी पेशेंस ट्रायल होता है। वो निकालना बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है, फिर भी गुरुजी साथ हैं तो वो संकट भी गुरुजी 10% से ज्यादा हमारे ऊपर नहीं आने देते। तो इसलिए गुरुजी के सत्संग, गुरुजी का लंगर प्रसाद, गुरुजी का चाय प्रसाद, यहाँ अगर नई संगत है कोई तो उनके लिए भी और बाकी पुराने के लिए भी, फिर से अपने लिए भी रिमाइंडर, अपने सबके लिए भी रिमाइंडर कि गुरुजी की सारी ब्लेसिंग इसी में है। हमें इसका पूरा का पूरा जल प्रसाद पूरा लीजिए, लंगर प्रसाद पूरा लीजिए। इसी पर ही एक सत्संग, जो जब अंकल ने बोला सत्संग तो बिल्कुल उसमें ब्लैंक हो जाते हैं, हालांकि हजार सत्संग गुरु जी के सुनते हैं हम। तो इसी पर ही एक सत्संग है, गुरु जी एक नारायण अंकल ने सुनाया था जब मैं शुरू में जुड़ी थी, जो मैंने सुने हैं उन्हीं में से एक दो सुना देती हूँ। कि एक आंटी गुरु जी के पास, एक आंटी अंकल गुरु जी के पास आया करते थे, उनके बहू उनकी डॉक्टर थी और कोई उसके इशू नहीं हो रहा था। तो गुरुजी ने, उन्होंने बोला कि उन्होंने सोचा कि उसकी फेलोपियन ट्यूब नहीं थी। फेलोपियन ट्यूब नहीं होना मतलब कंसीव नहीं कर सकते आप। तो वो खुद डॉक्टर थी, उसने बोला कि चलिए फेलोपियन ट्यूब नहीं है तो बच्चा तो हो नहीं सकता, चलिए कंसीव अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उनके फादर इन लॉ जो गुरुजी के बहुत भगत थे, उन्होंने बोला कि बेटा आप अडॉप्ट करना चाहते हो तो 3-4 महीने रुक जाओ, मेरी बात मान लो, एक बार गुरुजी के पास जाओ। उसने बोला गुरुजी इसमें क्या कर लेंगे, अगर मेरी शरीर में अपनी कमी है तो गुरुजी तो कुछ नहीं कर सकते ना उसमें। उसने बोला मुझे नहीं पता, पर जब मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक मेरे विश्वास के लिए आ जाओ। और बिना विश्वास के, बिना कुछ सोचे, सिर्फ अपने फादर इन लॉ की बात रखने के लिए वो आंटी गुरुजी के पास आई। जैसे ही आई, गुरुजी के पास माथा टेका, वहां पर उनको चाय प्रसाद बट रहा था, तो गुरुजी ने कहा चाय पी ले। तो उनको चाय प्रसाद दिया गया तो शी सेड नो आई डोंट ड्रिंक टी। तो गुरुजी ने आवाज दी, कुड़िए पी ले, जेड़े कंपनी आई है वो तेरी ब्लेसिंग है। शी फेल्ट रियली बैड कि मेरे फादर ने जाके गुरुजी को बता दिया कि मेरे को ऐसे इशू है, बट स्टिल उसने चुपचाप वो चाय पी ली। एंड श्योर इनफ विद इन अ मंथ शी कंसीव्ड विदाउट फेलोपियन ट्यूब। पेट में फेलोपियन ट्यूब नहीं है यूट्रस में, बट वो कंसीव कर गई एंड बहुत हेल्दी बच्चे को भी जन्म दिया। दिस इज गुरुजी। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो भगवानों के भगवान है, पीरों के पीर है, सबसे ऊपर है, उनपे हम शक नहीं कर सकते। छोटी चीज या बड़ी चीज सब गुरुजी ने करनी है। तो जब आ गए हैं यहाँ पे तो इफ एंड बट मैं सब छोड़ के, सिर्फ जो आज एक चला था कि क्या देना है गुरुजी को, हमारे पास तो ऐसा सब तो उन्हीं का दिया हुआ है, हम क्या दें उनको। लोग मुझे कई बार पूछते हैं उनके सत्संग में जाए तो क्या लेके जाए, कौन क्या ले जा सकता है, हम क्या ला सकते हैं, सब तो उन्होंने हमें दिया है। तो हमें क्या करना है, अपनी मैं इनके चरणों में छोड़ देनी है। एक वरुण अंकल थे, वो गुरुजी के पास आते थे, वो अपने भाई को लेके आए गुरुजी के पास। तो कुछ ऐसा हुआ कि उनके भाई, सबने सुना होगा सबीना कोछड़ आंटी और उनके ब्रदर, वो गुरुजी से ज्यादा मिलने लगे, ज्यादा उनके पास आने लगे। तो वरुण अंकल जेलस हो गए उनसे कि मेरा भाई जिसको मैं लाया हूँ वो ये गुरुजी के ज्यादा क्लोज हो गया। तो एक दिन बोलते मैं गुरुजी के पास बैठा था तो गुरुजी ने बोला वरुण मुझे तेरे से कुछ चाहिए। तो बोलता है, मैंने कहा गुरुजी सब तो आपका दिया हुआ है, मैं क्या दे दूं आपको। तो बोलते नहीं, वो मेरा नहीं दिया हुआ, वो तेरा अपना है, जो तेरी ये जेलसी, ये गुस्सा है, ये मुझे दे दे। तो ये बस ये चीजें, मैं जेलसी, ये हमें गुरुजी ने नहीं दी, ये हमें गुरुजी के चरणों में छोड़ के यहाँ से सिर्फ ब्लेसिंग मिलती है, सिर्फ अच्छा होता है। बस ये विश्वास लेके गुरुजी के पास आइए और उनपे छोड़ दीजिए अपने जीवन की डोरी, बस वो गुरुजी कर देंगे। बाकी तो जिनके सत्संग है वो शेयर करेंगे, बस मैं अपना सुबह का एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ।
पिछले 2 महीने से मेरी बहुत फिजिकल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही, बहुत सीवियर। ऐसा कि एक बार बीच में एडमिट हो गई हॉस्पिटल में 3-4 दिन के लिए, फिर वहां से भी गुरुजी ने बहुत जल्दी निकलवा दिया, बहुत अच्छा आराम से। फिर एक गुरुजी के सत्संग में गई और एक चेयर से गिर के चोट लग गई, सिर पे चोट लगी। उसके अगले दिन भी गुरुजी ने सत्संग करवा लिया। फिर उसके बाद ऐसे कि 1 महीना हो गया उस चोट को लगे, पर कभी लेफ्ट साइड स्वेलिंग, कभी राइट साइड स्वेलिंग, जितने टेस्ट करा लो सब ठीक आ रहा है। तो आज सुबह मैं बहुत खिंच गई, कल भी बहुत दर्द था, आज सुबह भी मैं बहुत परेशान होकर ऐसे गुरुजी को, मैंने कहा बिल्कुल आपने ना मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया है ना। अब जैसे घर में हम चिल्लाते गुरुजी पे, अपने माँ बाप पे जैसे गुस्सा निकालते चिल्लाते घूमते, उसमें मैंने बिल्कुल चिल्लाया छोड़ दिया। अब ना जो बिल्कुल मेरे मुंह से एग्जैक्ट वर्ड जो निकला वो ये था, जिसके गुरुजी हो ना वो आपकी जोत जगाए, है ना। तो जाओ कौर अंकल है ना, जाओ, मैंने कौर अंकल बस दी, मैंने कहा आज आप अपनी जोत जगाना, आपके गुरुजी हैं आप जगाओ फिर, और आपके गुरुजी हैं आप जल रखो बस गुस्से में। और उसके बाद गुस्सा भूल भी जाते हैं, भूल गए, त्यागते हुए आ गए यहाँ पे, कुछ नहीं, यहाँ पे माथा टेका और जाके मैं पीछे बैठने लगी और अचानक से आंटी ने बुलाया और बोला आंटी आके आप आज जोत जगाएंगी, जिसके गुरुजी है वो जोत जगाए। एक एक मतलब हम तो ताना दिए और भाग लिए और बोल इतना प्यार शुक्राना मेरे मालिक, और कोई कर नहीं सकता, माँ बाप ने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया जो ये कहते हैं, लख लख शुक्राना मालिक। लख लख शुक्राना मालिक करो, मैं करूं 2 सेकंड आपसे शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। अभी आप लोग सब मुझे देख रहे हैं कि मैं खड़ी हूँ, 1 महीने पहले की बात है, आई वॉज डायग्नोस्ड विद सीवियर डायरिया। तो मम्मी को बड़ी कंप्लेन रहती थी कि बाहर का ही खाती रहती है, घर का खाती ही नहीं है, गुरु जी छुड़वाएंगे अब। तो मम्मी ने बोल दिया कि अब गुरु जी आप ही छुड़वाइएगा। तो इतना सीवियर हो गया कि नॉर्मल इंसान वॉशरूम 1-2 बार जाता है, मेरे को 20 टाइम्स जाना पड़ा, 30 टाइम्स जाना पड़ा, शरीर में जान नहीं थी। मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने पास रखा, मैंने कहा गुरुजी अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, अब जहां लेके जाएंगे आप ही जाएंगे। तो हॉस्पिटल मैंने नहीं देखा कभी, कभी देखा ही नहीं, इंजेक्शन भी कभी लगा नहीं, पता ही नहीं कुछ भी। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई 2 दिन, जब हाथ पे ड्रिप चढ़ी तो पता चला कि बाहर का नहीं खाना चाहिए। पूरे टाइम गुरुजी की शब्द गुरबानी सुनी, कितनी अननोन आंटियों का मेरे पास पर्सनली मैसेज आया जो मुझे जानती ही नहीं थी, आंटी आप ये शब्द सुनिए, आप ये शब्द सुनिए। 2 दिन के अंदर मुझे टेलीपैथिकली गुरुजी का मैसेज आया कि तेनू मैं 2 दिन विच घर भेज दूंगा, उसके बाद तुम्हें खुद का ध्यान रखना है। 2 दिन में मैं घर तो आ गई, उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक रही बट फिर सिचुएशन वर्स हो गई। फिर मैंने गुरुजी से कहा, जैसे हम बच्चे हैं नहीं समझ में आता, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मैंने गुरुजी अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, अब जो करेंगे आप करेंगे। गुरुजी कहते हैं कि तुम तो जिस डॉक्टर के पास जाओ, जाना है तुम्हें जहां जाना है जाओ, पर मैं जिसके पास तुम्हें भेजूंगा ना, जिसका नाम तुमने कभी सुना ही नहीं होगा। आफ्टर ट्राइंग सो मेनी मेडिसिन कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक से एक दिन एक ऐसे डॉक्टर जिनका नाम कभी सुना ही नहीं, उनके पास गए। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है कि जो इंसान चल नहीं पा रहा था, कमरे से उठ के वॉशरूम तक नहीं जा पा रहा था, वो आज इंसान यहाँ खड़ा हो गया, सत्संग शेयर कर रहा है अपना, ये गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दिए। 1 मिनट का बस एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूंगी। मैं डेली सत्संग सुनती हूँ, उसमें एक आंटी जी का सत्संग था कि आंटी के स्पाइन में पानी चढ़ गया था, तो उसकी वजह से 10 दिन से वो रोई जा रही थी, हाय गुरुजी मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। तो इतना पेन बढ़ गया कि उस दिन आंटी को एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, सही टाइम पे इलाज हुआ उनका, और उसके बाद वो आंटी घर आ गई। उसी वक्त उनके अंकल जी को न्यूज मिली कि उनके फ्रेंड की आंटी एक्सपायर हो गई, और उनको भी सेम प्रॉब्लम थी पर उनको दर्द नहीं हुआ। तो गुरु जी जो पेन देते हैं उसमें भी ब्लेसिंग होती है। तो मुझे ये चीज पता चली कि जब मुझे पेन मिला तो 2 दिन में मैं गई हॉस्पिटल, मेरा सही टाइम पे इलाज हुआ, और उसके बाद मैं आज यहाँ पे सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक अरदास के लिए सब संगत से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में जशिका आंटी हैं, उनकी मम्मी अर्चना आंटी के लिए अरदास करिए सभी संगत, 1 सेकंड के लिए सभी लोग
एक मिनट के लिए अरदास जरूर करिए, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आज गुरु जी ने मुझे नया जीवन दान दिया है। 2023 में श्रृंगारनगर में श्रृंगारनगर सनातन धर्म मंदिर में पहला सत्संग था जो गुरु जी ने मुझे दरबार की सेवा दी थी, और मैंने पूरी दरबार की सेवा की। वहां पर चाय प्रसाद हो गया, लंगर प्रसाद भी शुरू हो गया था। मैं वहां पर बैठी हुई थी, एकदम से पता नहीं क्या अचानक हुआ, मैं उठ के खड़ी हुई और गद्दे से मेरा पैर लड़ा और चादर में फंसा और मैं गिर गई। इतनी तेज गिरने की आवाज आई, सारी संगत लंगर प्रसाद कर रही थी और एकदम से सब शॉक हो गए कि क्या हुआ। और फिर संगत ने मुझे उठाया, एकदम से उठा के बिठाया, कहने लगे लगी तो नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं बैठ गई और गिरी भी इस जगह पे थी जहां पर गुरु जी का दरबार था, ठीक उसके सामने ही गद्दा था, गद्दे में पैर फंसा और वहीं पर गिरी थी और वहां झुक कर बैठ गई। बैठते ही मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग होगा, आप मेरी रक्षा कर लेना। वहां पर संगत आई तो कहने लगी आपको कुछ दर्द हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मुझे जल प्रसाद दे दो और मुझे लंगर प्रसाद खिला दो। और मैं सिर्फ ऐसे झुकी हुई बैठी हुई थी और इतना सबर उन्होंने दिया था कि चिल्लाई भी नहीं। वहां पर पूजा आंटी आई, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, हाथ रखते बोलने लगी, उनकी मम्मी पास में बैठी थी, वो डॉक्टर थी, कहने लगी मम्मी इनका तो कंधा ही नहीं है, हाथ लटक गया उनका। और मैं ऐसे पकड़े हुए बैठी हुई और लंगर प्रसाद और जल प्रसाद कर रही थी। आंटी ने कहा कि आप चल सकते हो, मैंने कर मैं उठ भी नहीं सकती और मैं सिर्फ हाथ पकड़े बैठी रही। चार संगत ने मेरे को कुर्सी समेत ही उठाया और मुझे बाहर गाड़ी में बिठाया, डॉक्टर को फोन कर दिया, डॉक्टर बाहर व्हील चेयर लेकर खड़े हुए थे और अंदर ले गए। डॉक्टर ने कहा कि इनका हाथ तो लटक गया है लेकिन उसमें फ्रैक्चर भी हो गया और इनका ऑपरेशन होगा। मुझे आंटी कहने लगी घबराना नहीं। मैंने उसी में मैं बोला जय गुरु जी, और उन्होंने मेरा हाथ तो सेट कर दिया और मुझे ले गए रूम में, कहने लगे नेक्स्ट डे इनका ऑपरेशन होगा। मेरी बेटी पूना में रहती है, वहां से उसको बुलाया। दूसरे दिन जब टेस्ट हुआ तो उसमें थायराइड शुगर सब निकल आया। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी रक्षा करना। और मेरी शुरू से आदत है कि मैं सुबह चाहे तो मैं 4 बजे उठूं चाहे 5 बजे उठूं, उठते ही मैं मंत्र जाप 1 घंटे का लगा देती हूँ। और उस दिन जब मेरे को रात को उन्होंने बेड पे लिटाया, कंधा सेट करके, सुबह उठते ही मैंने मंत्र जाप लगा दिया। फिर डॉक्टर बोलने लगे 2 दिन बाद इनका ऑपरेशन होगा। जब मैं ऑपरेशन के लिए अंदर जा रही थी, उससे पहले ही गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर का जल प्रसाद भेज दिया। कहने लगे कुड़िए तू जल प्रसाद पी, ठीक हो जाएगी। मैंने उसी समय जल प्रसाद लिया और गुरुजी ने मुझे पूरा VIP ट्रीटमेंट दिया। मेरे घर से 1 कप चाय, 1 कप कोई कपड़ा कुछ भी नहीं आया,
सब गुरु जी ने समय से मुझे चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, बस सब कुछ उन्होंने भिजवाया। जब मैं ऑपरेशन के लिए अंदर जा रही थी तो गुरु जी बोलते हुए जा रही थी, और हाथ जैसे ही वो पकड़ा तो उठी में मैंने गुरु जी को पकड़ लिया। मैंने कहा जय गुरु जी, आप ही संभालना। उसके बाद मेरा ऑपरेशन हो गया। दूसरे दिन भी मैं सुबह मंत्र जाप और गुरु जी के भजन बस वही लगाती थी, वही सुनती थी। और इतना ऑपरेशन के बाद मेरा को इतना पेन था कि मैं पर्दाश से बाहर हो गया, लेकिन मैंने मंत्र जाप और उनके भजन नहीं छोड़े। डॉक्टर आए, कहते आप इतना तकलीफ होती है, आप ये सारा दिन क्या लगाए रखते हो? मैंने कहा ये मंत्र जाप है गुरु जी का, आज इन्होंने ही मुझे बचाया। कहते हैं हाँ, जब ऑपरेशन कर रहे थे ना, तब उसी समय आपका ऑपरेशन के टाइम पे कोई जना आया था और जो आपकी रक्षा करके गया। अगर वो आज ना होते तो आप बच भी नहीं सकती थी, इतना आपका सिवर हुआ था। उसके बाद मैं घर चली, एक हफ्ते बाद मुझे छुट्टी मिल गई, मैं घर गई। और 7 जनवरी को पहला सत्संग था, मैं गिरी थी, और 7 फरवरी को दूसरा सत्संग था जिसमें गुरु जी ने मुझे अपनी सत्संग में बुला लिया और दर्शन दिए। और आज तक जितने भी सत्संग हर महीने होता है, गुरु जी ने एक भी सत्संग मुझे मिस नहीं करने दिया, हर सत्संग में हाजिरी लगवाई। और उसी बीच में मेरी बेटी की शादी हो गई, और गुरु जी ने, मैं गुरु जी से बोलती थी गुरु जी मेरा हाथ कैसे ठीक होगा, मैं तो उठा अब वेट भी नहीं उठा सकती, कुछ कर नहीं सकती हूं। तो गुरु जी ने अपनी मुझे दरबार की सेवा दी है, जो हर महीने दरबार की सेवा गुरु जी मुझसे कराते हैं। और 2024 में फरवरी में गुरु जी ने चोला सिलवाया, चोला सिलवा के गुरु जी ने मुझे अपना हाथ ठीक करा रहे। मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। सुधा आंटी अपना सत्संग शेयर करेंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं जो सत्संग सुनाना चाहती हूँ बिल्कुल लाइफ है, कभी मतलब ये नहीं आगे पीछे का हो। पहले तो मैं अपना परिचय दूंगी, क्योंकि गुरु जी महाराज का कहना था कि हमेशा शुरू से सत्संग सुनाया कर, 20 से सत्संग कभी नहीं सुनाना चाहिए। तो मैं शुरू से अपना सत्संग सुना रही। पहले मैं अपना परिचय दे रही हूँ, मैं सुधा त्रिपाठी, मैं यही स्टेट बैंक चंदन नगर में जॉब करती थी, और करीब 35 साल मैंने नौकरी की। इसके बाद अभी भी बहुत टाइम था, 3.5 साल बचे थे। मैंने दिसंबर 2021 में नौकरी छोड़ दी। यहाँ तक हमने लड़ाई झगड़ा भी किया, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब थी। 107 किलो वजन था, थायराइड बहुत था, हार्ट की बहुत परेशानी थी, डिप्रेशन भी था। मतलब समझ नहीं आ पाते थे कि हम पैसे गिनते गिनते किसको ज्यादा देंगे किसको कम देंगे, हर तरह की दिक्कतें होती थी। और यहाँ की लगभग सारी संगत हमें जानती है, क्योंकि सभी लोग बैंक आते जाते थे। तो जो है संगत जी, ये तो शुरुआत हो गई। अब मैं इधर का सत्संग सुनाती हूँ शुक्राना सत्संग, जो कि मैं अब शुक्राना ही सत्संग सुनाऊंगी और दुख होगा सब भूल गए हम। तो संगत जी, हम क्या बताएं, गुरु जी ने हमसे कहा कि तू बड़े मंदिर आ जा, मैं तुझे नया घर ब्लेस कर दू। बार बार कहते थे, हमने कहा गुरु जी कैसे आए, आप जब लौगे तभी तो हम आ पाएंगे, ऐसे कैसे चले आएंगे, हमें तो मालूम भी नहीं रास्ता। तो बाई चांस मोबाइल उठाया, देखा मैसेज, राज अंकल ने मैसेज डाला था कि गुरु जी के मंदिर जा रही है बस। अरे मैंने ऐसे ही देखा, मैंने कहा
भैया हमें नहीं ले चलेंगे क्या? बोले क्यों नहीं ले चलेंगे, तुरंत तुरंत सब फटाफट फटाफट हो गया और मुझे बर्थी मिल गई। अब 14 तारीख का मुझे इतना इंतजार था, मेरे तो दिन रात कटे नहीं कट रहा था कि हम कितनी जल्दी जाएं यहाँ से, बस निकले। फिर पता चला 7 बजे जानी थी बस, फिर 7:30 बजे हमने लो आधा घंटा और लेट हो गया। अब बताओ हम कैसे जाए, अब हमें समय नहीं व्यतीत हो रहा। अब घर के लोग सब बिल्कुल जैसे भैया अनजान है, कोई हमारा अपना नहीं है। अब बस मुझे ये लग रहा है मैं जल्दी 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 रात में उठे 4:30 बजे, तब तक एक सीमान की है वो वरुण मित्तल अंकल की बनाई हुई संगति, तो जो है उन्होंने उनके पहली बार सत्संग में हम उन्हें क्या गए थे 7 तारीख को। फिर जो है उन्होंने कहा कि आंटी आपको जो है ये जो है अमृत वेला सत्संग करना, अमृत लो अब ये भी हो गया, अब बताओ हम सुबह मंदिर जाए या पहले सत्संग। फिर हमने क्या किया वही 5 बजे से चालू किया सत्संग करना, अकेले बैठ के वही लड्डू थे ही तो हम बड़े मंदिर में लड्डू लेके जा रहे थे और लड्डू मंगाए भी थे, हमने वही लड्डू रख के सत्संग कर लिया। बस फटाफट तैयार हुए, हमने कब चाय नहीं पियेंगे देर हो जाएगी, बस भागे भागे गए वहां पे। अरे वहां ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग सब बिछड़े हैं बहुत दिन पे, बोले इतना मजा आया गुरु जी महाराज ने घर से ही ऐस कराना चालू कर दिया। और फिर बस में बैठे हम लोग खूब अच्छे से एंजॉय हुआ, खूब मतलब इतना नाक ऊपर तक भर भर के सबने खिलाया पिलाया, कोई कमी नहीं की। फिर हम एक दिल में अरदास लेके गए थे यहाँ से घर से कि गुरु जी हमें कुछ मत दीजिएगा, एक पैंडित स्वरूप दे दीजिएगा जो कि हमने खरीदा हुआ पहना है, तो जो है वो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, बाकी हमने दिए तो बहुत सब लोगों को लेकिन हमें पहनने में नहीं अच्छा लग रहा। तो जो है फिर ये अरदास थी। और फिर आगरा आया, फिर आगरा में एक रीवा आंटी थी, उन्होंने लंगर प्रसाद की व्यवस्था की थी, तो हमने कहा यहाँ के पेठा तो बहुत अच्छे लगते हैं, हमें तो बहुत पसंद है, लेकिन हम क्या करें अब यहाँ कोई पास में दुकान भी नहीं कि जो हम लेके रख लें। फिर जो है तब तक देखा एक, हम तो उनका नाम तो नहीं जानते, नाम तो दो ही लोगों को जानते, एक नीलम आंटी का अरे प्यारी बुटिया निधि आंटी का, और किसी के नाम ही सकल से सबको जानते हैं पीले सूट डाली थी। तो जो उन्होंने देखा कि वो सामने से जैसे हमने बस मन में इच्छा की वो सामने से पेठा लेके हमारे हुआ, आज तो कुछ भी मांगते तो मिल जाता हमें बस लालच बन गया। फिर हमने कहा बोले और लेंगे, हमें और नहीं लेंगे बस एक ही लेंगे, बहुत इच्छा तृप्त हो गई। फिर बड़े मंदिर गए, वहां पे उतरे, सब लोग गए दर्शन किए, जाते समय तो हमें बिल्कुल दुख नहीं हुआ बल्कि यह लग रहा था कितनी जल्दी जल्दी चले गुरु जी के दर्शन करने चल के। फिर उधर से जब लंगर प्रसाद करके लौट रहे थे तो हमें अंदर से ऐसा लगा कि हम जितने यहाँ पे सेवादार हैं उनको चिपक चिपक के कस के रो ले, जैसे लगता हम अपने मायके से जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ हमको जेल भेजा जा रहा है कि अब दोबारा कब आएंगे। तो जो है वहां से लौटने लगे, चले आए थोड़ी दूर, फिर लौट गए, हमने कहा एक जल प्रसाद हमको मिला है, एक और हम ले रहे हैं तो कम से कम एक घर के लिए प्रसाद हो जाएगा। तो गए तो हमने कहा अंकल हमको एक बोतल अगर और मिल जाती तो ज्यादा अच्छा था, तो उन्होंने क्या किया एक दिया। इसके बाद में फिर हमने शुक्राना किया उनका, फिर जैसे लौटने लगे तो उनका अरे रुकिए एक और लीजिए, तीन बोतल मिल गए। इसके बाद हमें वहां के जितने सेवादार बोले इतने सुंदर लग रहे थे, इतना चेहरे पे तेज था ग्लो था कि हम क्या बताएं, मतलब उनकी उनका तेज सबका चेहरा एकदम गुलाबी था, बिल्कुल जैसा लगता अभी ब्यूटी पार्लर से हो गया ऐसा लग रहा था, हमें सबके चेहरे पे गुरु जी का चेहरा नजर आ रहा था, गुरु जी के चेहरे से उनके चेहरे में मैच कर रहे थे। फिर हम चलते रहे, सबको देख के रोते रहे कि जैसे लगती हम अब जा रहे हैं पता नहीं कब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे क्या होगा। फिर आते रहे, फिर स्वरूप सबने कहा कि स्वरूप मिलता है वहां पे, हमने स्वरूप तो नहीं लेंगे हम लेकिन हमको बस वही एक पंडित प्रसाद ही मिल जाता ज्यादा अच्छा, अपने मन में कह रहे थे। फिर वहां लाइन में भी लगे, सबके नंबर आ गए, सबने लिए अपने स्वरूप, फिर मेरा नंबर आया तो उन्होंने कहा कर लेंगे पंडित स्वरूप तो नहीं आज मिल रहे, सेवा मंडे को है और जो है ये स्वरूप अगर आपके पास है तो आप हट जाइए लाइन से। हमने कहा हमारा स्वरूप बहुत है, ब्लसिंग के बहुत पहली बार हमने राधिकल के हाथ ही हमको ब्लसिंग स्वरूप मिला था। फिर उसके बाद से फिर मिलते रहे ज्योति आंटी के यहाँ मिला, सब कहीं मिलता रहा। तो जो है हमने कहा हमारे पास घंटे गए, फिर हम फिर चले आए थोड़ा स्वरूप जाइए तो फिर जो है फिर लौट आए। इसके बाद इंक्वायरी काउंटर पे एक और आंटी थी, बोली कि हमको स्वरूप बना दे, तो वो गई स्वरूप लिया एक बार काउंटर से, एक स्वरूप था उनको दिया। फिर जो है फिर हम भी गए, हमने कहा हमको भी
जाता है यहाँ से, मैं क्या आया तो पिस्तौल लेके जाना ही है, इतना तो खर्च है। फिर उन्होंने कहा पांडे स्वरूप वो नहीं है हमारे पास। फिर बोली अच्छा लीजिए आप ये लड्डू प्रसाद ले लीजिए। अरे मतलब हम तो उनको धन्य हो गए जैसे गुरु जी ने दिया। उस लड्डू स्वरूप में, लड्डू प्रसाद में वो सुंदर सा ओम बना था छोटा सा। संगीत जी हम वो लाए हैं सबके लिए मिक्स करके, वो डिवाइन प्रसाद है। वो लड्डू प्रसाद ही केवल नहीं, और डिवाइन प्रसाद है बड़े मंदिर का सबके लिए, वो सबकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब लोग बोलने नहीं दे रहे, गुरु जी का खोलो। बस में आए तो रालिंका जी सबको जो है कुछ बांट रहे थे, हमें नहीं पता चला क्या बांट रहे हैं। हम उसने इलायची दे रहे हैं तो इलायची दे रहे हैं, तो हमने भी यहाँ फुला दिया। तो बोले आपको तो कितने सारे ब्लेसिंग मिल गई। तो फिर इसके बाद में हमारे हाथ में बनाए, अरे देखा, अरे हम तो बिल्कुल कल के हो गए जैसे लगते हैं, उछलने लगे। जीवन में पहली बार बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक हमें इतना सुख नहीं मिला था जितना हमारे बच्चे ने हमको सुख दिया। बहुत सुख दिया, इतना सुख पान करे, इसकी कितनी तरक्की हो, कितना ये ऊपर जाए, कितना खूब प्लस हो पूरा परिवार। हमें हमें अंदर आत्मा से हम गुरु जी के सामने कह रहे हैं, हमें अंदर आत्मा से इसके लिए आशीर्वाद है। हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहे, ऐसे सभी सेवा करते हैं। और एक कष्ट भी दे रहे कि हमको हर महीने जब जब जाना है हमको जरूर चाहे अकेले जाए चाहे सबके साथ जाए। जय गुरु जी। एक बस ही आपके लिए कर देते हैं। इतने प्यारे सत्संग सुखाने के सुखाना भाई, इनके जिनको इनको गले लगने लगा दो, इन्होंने वहां भी मुझे भी गले लगा दिया। शुक्राना मेरे मालिक की इतनी प्यारी सेवा बख्शने के लिए। ये जो बस सेवा है आंटी, बैठ जाइए बस, सब बैठ थोड़ी देर बैठ जाइए, फिर आपको मौका दूंगा बाद में लगा पुछा के पीछे, फिर आ जाइए कोई बात नहीं। ये जो बस सेवा है, अखिलेश अंकल आइए, बस मौका दे रहा हूँ। ये जो बस सेवा है, ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है संगत के लिए, और हम सब मिलके ये सेवा करते रहे और ये सेवा हर महीने चलती रहे, बस यही अरदास करिएगा। गुरुजी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, ये आप जानते हैं। एक छोटा सा भाव तनु आंटी का, और उसके बाद वो अखिलेश अंकल के पास, फिर वो मेरे पास आया, और हम सब ने मिलके फिर उसको जो है कैसे एग्जीक्यूट किया। एक बस के लिए हम लोग 15-15 दिन पहले से चीजें करते हैं, और तब जाके वो धीरे धीरे सारी चीजें होती हैं। तो मैं शुक्राना करूंगा तनु आंटी का भी और गुरु जी महाराज का भी, कि भाव दिया और वो चीजें आगे बढ़ के आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी लखनऊ की संगत को गुरु जी ने एक छोटा सा विजन किसके थ्रू, किसके माध्यम से उसको इम्प्लीमेंटेशन में दिया, ये तो गुरु जी की ही जाने। बट ये जो बस सेवा दी है, इससे कितने ही हमारे गुरु परिवार के जो संगत है वो इससे कितना लाभान्वित हो रही है, ये तो वो संगत ही जाने। और ये बस सेवा ऐसे ही हर महीने चलेगी। संगत ही जिस भी संगत को जाना है अपना रजिस्ट्रेशन जो है करा लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहेंगे, उसकी कॉन्टेक्ट में लिंक ऑलरेडी डन हुए, उसको डन करके ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप। और जिस जिस संगत को बड़े मंदिर दर्शन करने जाना है, वो तो गुरु जी जानते हैं, जिसको बुलाना होगा गुरु जी के दर्शन करने के चलिए। और हम सेवादारों से अगर कोई किसी तरह की कमी होती है तो उसे प्लीज माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग भी बिगनर्स ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा कि संगत का कहना है कि गुरु जी का, कि जो भी सत्संग है वो शुरू से शुरुआत करे, तो मेरी गुरु जी से जर्नी आज करीब 6 महीने की हो रही है, और बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अभी लास्ट सत्संग में हमारी आंटी ने एक सत्संग शेयर किया था, जिसमें गुरु जी ने हमको लाइव ब्लेस की थी 3:30 बजे के समय, वो सत्संग आप सबकी जानकारी में है। और उसके बाद गुरु जी ने कृपा की कि 3 तारीख और 4 तारीख को, मैं 3 तारीख को बड़े मंदिर में था और 4 तारीख को डोगरी मंदिर भी मैं गया था, शुक्राना गुरु जी का लाख लाख शुक्राना बुलाने के लिए।
उनका आदेश हुआ और हम गए वहां पर, कृपा हुई। और एक छोटा सा संग शेयर करना चाहूंगा, दिल्ली से हमारी सुबह 6:40 की टूर जाने की, तो मेरा एक फ्रेंड था साथ में, तो मैं उसको बोला कि 6:30 हो रहा तो तुम नहा लो, मैं नहाता हूँ फिर 6:30 की तो हम निकलते हैं। तो संगत जी उसी टाइम पे वो नहाने गया, तो जब नहा तो बोलता है कि बहुत गर्म पानी, सादा पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। तो मैं तो बड़ा परेशान बात नहीं, तो एक बार मैं गया वॉशरूम में, तो जो 1.5x2 का करीब बहुत बड़ा ग्लास लगा हुआ था, तो वो बिल्कुल ओस से उससे भरा हुआ था स्टीम से। तो इतनी देर में जब मैं ब्रश लगा के मैंने वॉच किया, तो उसमें बहुत खूबसूरत सा होम बना हुआ। मैंने गुरुजी ने जो है ये देखिए तेरे को ये ब्रश किया है, तो वो मेरे को बोलता है कि भैया ये कहीं आपने तो नहीं बना दिया है। मैंने नहीं ऐसा नहीं है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। और उसके बाद हम लोग नहा धो के जैसे ही पहुंचे हैं स्टेशन, तो वहां जो है वो ट्रेन चलने वाली थी और हम लोग स्लीपर के डब्बे में चढ़ गए थे, और जबकि हमारा एसी का टिकट था। और स्लीपर का पहले कोच में जब चढ़े तो पूरा कोच जय गुरुजी, S2 जय गुरुजी, S3 जय गुरुजी, और पूरे 15 के 15 कोच जय गुरुजी, पूरी संगत ही संगत। और पांचवा छठा डब्बा हम लोग अंदर ही अंदर जा रहे थे, तो पांचवें डब्बे में गुरुजी ने तिलक लगवाया हम लोग उसकी दाद बख्शी शुक्राना गुरुजी उसका भी। और 8वें या 9वें डब्बे में क्रॉस हो रहे थे तो हमको कड़ा प्रसाद भी मिला, जय गुरुजी लाख लाख शुक्राना। शुक्राना अपने मालिक का इतने प्यार प्यारे सत्संग के लिए। सत्संग के दौरान अगर कोई भूल चुप हुई हो तो हमें क्षमा करिएगा। मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद आरती होगी। आरती के लिए सिर्फ सेवादार लाइन लगाएंगे, उसके अलावा संगत से रिक्वेस्ट है प्लीज लास्ट में अगर है तो आइए, नहीं तो प्लीज बैठे रहिए, और कोई भी किसी को धक्का नहीं देगा। जो भी सेवादार भी हैं वो आराम से आरती करें। मेरे लिए सारे गुरु जी बैठे हुए, खास करके सुधा आंटी ने जो आज सत्संग किया, मतलब बहुत ही प्यारा। और तो हमेशा कहते ना भोलिया नु रब मिल जाता है, तो वो वाली गल है कि पंजाबी च कंफर्टेबल हो ना सारे। मैं तो अपने इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरी गुरु जी नाल जर्नी 2015 च स्टार्ट हुई, बेसिकली चंडीगढ़ तो आए मैं। और तुहानू जदों भी मैं हर मंथ लखनऊ कानपुर मेरा ट्रिप होंदा, मैं इवेंट प्लानर हां, और उत्थों जिस दिन मैं चलती है मैं सत्संग अटेंड करके चलती। मेरी कोशिश ये होंदी है कि जदों मैं अपने काम पे निकला तो मैं सत्संग अटेंड करके चलूं, मतलब मन मेरा बहुत हुंदा है। बाकी गुरु जी जेड़ी पहुंच रखते है हुण इन्नी को समझ आ गई है इन्ने सालों कि वो जो करते है साडे लिए ठीक करते है, सानू लेट समझ जरूर आंदा है, असी वो कहने ना इफ एंड बट साडे चलते ही रहते है, सानू चाहे लेट समझ आंदा है लेकिन वो साडे लिए जो भी करते है ठीक करते है। सारी संगत ने बहुत प्यार नाल सत्संग किया, बड़ा मजा आया, बहुत आनंद आया। असी सारे दे सारे इन्ने ब्लेस्ड हैं, जिवें आंटी ने कहा कि कोई भी बंदा गुरु जी दे दरबार च आपे नहीं पहुंच सकता। कल जदों मैं चली हां, मैं रात नूं 12 बजे पैकिंग करके ते व्हाट्सएप आया कोरा आंटी नूं और प्रमिला आंटी नूं, दोनों नूं ही 12:05 ते नेचुरली वो अज हो गया सी, है ना। मैं उन्होंने मैं टाइम ही नहीं देखा, मैं मैसेज पाता कि कल का कोई लखनऊ सत्संग है और कानपुर भी पाते क्योंकि कल ते परसों मेरा कानपुर इवेंट है। आंटी ने नेचुरली मेरे वांगू सारे थोड़ी 12 बजे जाग रहे थे, उन्होंने सुबह देखा पर इन्होंने कहा आंटी अज तो नहीं कल है 18 का मैंने पाता। मैं एवं ही होटल जाके बैठते लेटी और लेट के मैं इन्नी गल ही कही है, मतलब इन्नी छोटी छोटी गल गुरु जी साडी सुन लिया। मैं क्या की गल अज नहीं अटेंड कराना, फिर एने जी मैसेज आ जाता अज वाले सत्संग। उस तो बाद आंटी की कॉल आती है कि मैं कॉल करती हूँ कि आंटी ये किन्नी दूर पाएगा ना मैनू, क्योंकि मैं 3 बजे तक वापस भी आना है, मैनू किन्नी दूर पाएगा। उन्होंने सोचा कोई और संगत है नहीं ध्यान रहा कि चंडीगढ़ तो है, तो कहते आंटी मैनू भी आइडिया नहीं है पर तुसी चले जाओ भी इन्ना की टाइम लगेगा,
फिर उन्होंने एकदम ध्यान है, कहते अच्छा तुसी बोल रूपम बोल रहे हो, कहते सो सॉरी मैं ध्यान ही नहीं किया। तो इस तरह गुरु जी ने सत्संग अटेंड कराया, बहुत बहुत शुकराना। एक गल तुहानू जरूर कहूंगी कि साडे गुरु जी ने कदे भी कोई वैन कोई चीज कोई रूल्स नहीं सी उन्होंने, कुछ भी नहीं सी। भोले पा तुसी दो जने बैठ के भी सत्संग कर लो तो वह भी सत्संग है, जे हजार संगत सत्संग कर ले तो वह भी सत्संग है। गुरु जी हर टाइम सत्संग च प्रेजेंट होंगे, वो आके बैठते हैं। और कोशिश ये करया करो कि अगर कर पाओ तो देखो मर्जी उन्हां दी है कि गुरु जी दे आन तो पहला आ जाओ, बस साडा रब साडे नाल आके पहला बह जाए तो असीं आए आई जाने, है ना। बस इन्नी कोशिश मेरी, मैं जिस दिन लेट जावा मैं जरूर माफी मंगती हूँ। मैं हुंदा साडे क्योंकि जिम्मेवारियां, और गुरु जी ये भी कहंदे सी कि ए नहीं तू घरे तेरे घर दे रोटी खान वाले बैठे है ते तू सत्संग ते आके बैठे हो, तोड़िया रिस्पोंसिबिलिटियां तोड़िया जिम्मेवारियां सब तो पहला, सब तो पहला कहंदे सी हसबेंड वाइफ दी, वाइफ हसबेंड दी, ते उन्हें मिलके बच्चियां दा पालन पोषण करन। असी सत्संग ते आना है, असी सत्संग ते इत्थे तां ब्लेसिंग मिलनियां ही मिलनियां, पर वह घर आके भी दिंदे। गुरु जी ने एक बार किसी ने पूछा सी, कहंदे गुरु जी जो उ गए ना तो सारे पेज थ्री वाले लोग, मेनका गांधी बैठी है और वे वे लोग बैठे है, किसी ने कहा गुरु जी तुम तो अमीर के गुरु हो, मतलब इतने तो कोई यह बंदा लग ही नहीं रहा जोड़ा कोई हाई फाई लोग बैठे है। केंद्र ये इतने बह सकती है, क्यों? क्योंकि इन्हों को कमाई बहुत है, जेडे गरीब है ना उन्होंने को मैं जाना है, वह आके इतने मेरे को बह जाएंगे तो मतलब घर कौन चलाऊगा। केंद्र उन्होंने को मैं जाना है, और गुरु जी जाते होंगे, गुरु जी वाकई ही रेहड़ी वाले कोल, कदे किसे कोल कदे किसे कोल। एक बार गुरु जी ऐ ट्रैवल कर रहे सी ते चाह वाले कोल गए स्पेशल, और उत्थे जदो गए संगत रुकी, संगत नूं नहीं पता सी वी इन्नी वड्डे रेस्टोरेंट पए है दिल्ली तो चंडीगढ़ दे रस्ते, गुरु जी ने आ छोटे जे खोखे ते क्यों रुकवाया, और उस बंदे दे गले च गुरु जी का स्वरूप लग्या होया सी। तो इस करके बाकी तो मतलब असी बहुत रोज कुछ ना कुछ गुरु जी नवा सिखाते हैं, और बिल्कुल जिन्ना भी कही मतलब इन्ना शुकराना करते हैं कि असी इस काबिल है, क्योंकि इस दरबार च एवं कोई सोल आ ही नहीं सकती, कोई एंटर ही नहीं कर सकता। तुसी सारे के सारे ब्लैस्ड हो, ब्लैस संगत हो, क्योंकि तुसी आगे आके इस दरबार च बैठे हो। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। कोई भूल चुक हो गई हो तो गुरु जी माफ करना। संगत जी छोटा सा प्रसंग शेयर करूंगा बस से रिलेटेड, क्योंकि आरती से पहले उतना समय नहीं था। बस सेवा का भाव जब वो डेढ़ साल पहले मेरी नाक से गिर गया था, डेढ़ साल वो कहां पड़ा रहा, क्यों नहीं मिला इतनी सफाई, होली दिवाली भी होती है एक्सट्रीम पूरी सफाई नहीं मिला, और वो मुझे दर्शन के बाद घर आते ही उसने मुझे दिया। तो ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है गुरु जी की ब्लेसिंग कि मुझे वो चीज बहुत प्यारी जो थी मुझे गुरु जी ने दिलाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग है महाशिवरात्रि का, मैं अपनी मदर के साथ गई थी, चार दिन का स्टे था हमारा वहाँ पे। इससे पहले मैं सितंबर में मम्मा के साथ गई थी, तो जिन आंटी के थ्रू मैं कनेक्ट हुई हूँ। तो दी ने मुझे एक चीज बोली थी कि अगर बड़े मंदिर में तो आपको पार्किंग एरिया में तो स्वरूप मिलता ही है, तो वो तो आप खुद जाके लेते हो। अगर मंदिर के अंदर आपको कोई खुद से आके स्वरूप देता है ना, तो उसे हमेशा अपने साथ रखना। मतलब मंदिर के अंदर खुद से आके आपको कहीं स्वरूप मिल जाए तो उसे कभी अपने आपसे दूर मत रखना। तो जब फर्स्ट टाइम मैं सितंबर में गई थी मामा के साथ, तो दो दिन के लिए हमने दर्शन किए थे, तो बैक ऑफ द हेड एक वो एक्सपेक्टेशन थी कि भाई कहीं से क्या पता स्वरूप मिल जाए। तो मंदिर के अंदर भी जब हम लोग जा रहे थे तो भाई इधर उधर देख रही थी कि क्या पता कोई आके दे दे, क्या पता कोई आके दे दे स्वरूप, बट नहीं हुआ। थोड़ा मूड ऑफ हुआ, एक दो दिन लगा कि पता नहीं मिला नहीं, बट चलो कोई बात नहीं, सब गुरु जी की मर्जी होती है। तो इस बार जब शिवरात्रि में हम चार दिन के लिए गए थे, तो जिस दिन शिवरात्रि थी तो मैं और मामा दर्शन के लिए गए बड़े मंदिर। तो वहाँ पे इस बार क्योंकि बहुत एक तो
इतनी पब्लिक आती है उस दिन, तो उन्होंने बैठा के घर वाला सिस्टम नहीं रखा था, वो सीधा पैकेट्स दे रहे थे, मतलब पूरा लंगर दे रहे थे, और उसके ऊपर फिर वो एक कुल्फी का पैकेट भी रख के दे रहे थे लेके जाने के लिए बाहर, आप खा सकते हो। तो जैसे ही हमने दर्शन किए तो वो पैकेट मुझे मिला और मम्मा को मिला, और जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़े तो वो कुल्फी के पैकेट उन्होंने हमारे पैकेट के ऊपर ही रख दिए, लंगर पैकेट के ऊपर। तो जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़े तो मैंने मम्मा को बोला कि मैं बैग से ये फुटवेयर का टोकन बाहर निकाल लेती हूँ, तो अब तक मेरा पैकेट भी पकड़ू। तो उनका जो लंबा पैकेट था उसके ऊपर मैंने अपना पैकेट रख दिया और मैं अपने बैग से वो टोकन निकालने लगी। ये मंदिर के अंदर की बात है। तो वहीं से फिर एक अंकल आते हैं, सेवादार अंकल वहां पे बड़े मंदिर में, तो वो बहुत ही पंजाबी में बोला उन्होंने कि ये कुल्फी, अब मैं एग्जैक्टली बोल नहीं पा रही हूँ, कि ये पिघल जाएगी, पानी में हो जाएगी, तो उसको खा लो जल्दी जल्दी। तो उन्होंने खुद ही फिर मम्मा के हाथ में जो पैकेट था, मतलब सबसे ऊपर जो कुल्फी का पैकेट था, वो पील किया और वो मम्मी को देने लग गए कि ये ले। तो माँ ने बोला कि ये इसकी ब्लेसिंग है, मतलब मेरे लिए बोला, क्योंकि वो पैकेट तो मेरा ही था जो मैंने मम्मा को दिया था। तो फिर उन्होंने पील करके मुझे कुल्फी दी और फिर उन्होंने एक स्वरूप गुरु जी का मुझे दिया कि ये लो एक और ब्लेसिंग। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आपका स्वरूप मुझे बड़े मंदिर से उस दिन मिला। और उसके बाद फिर मंडे को भी हमने दर्शन किए थे, शिवरात्रि तो थर्सडे को थी, फिर मंडे को भी हमने रखा हुआ था वहां पे दर्शन का। तो हुआ क्या कि हम लोग जब दर्शन करके वापस आ रहे थे तो कैब हमारी बीच में रुक गई, क्योंकि तो वहां पे मंडे को इतना ट्रैफिक होता है जो मेट्रो स्टेशन जाते टाइम, बीच रास्ते में गाड़ी रुक जाती है, पीछे इतनी गाड़ियां, आगे इतनी गाड़ियां, को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे ना, मेरा इतना फर्म बिलीव था, मुझे पता था कि गुरु जी देख लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे पीछे भी इतनी गाड़ियां जा रही थी, आगे भी इतनी गाड़ियां चल रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि बीच रास्ते में गाड़ी रुक गई, बट मुझे पता था कि गुरु जी देख लेंगे। और फिर 5 मिनट ही हुए थे गाड़ी एकदम से स्टार्ट होगी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जो संगत के रूप से चरण पायल, शुकराना सब का शुकराना, अनंतम शुकराना, सत्संग ग्रंथ का शुकराना, हर एक चीज का शुकराना गुरु महाराज, ये जितने भी शुकराने करा कमें मेरे गुरु महाराज, मेरे को होर कोई शब्द नहीं, सिर्फ शुकराने के अलावा मेरे को कुछ नहीं है गुरु महाराज, बस शुकराने कर सकता मैं तेरा। चाहे जितने भी जन्म हो तेरे शुकराने करते करते थक जावांगा गुरु महाराज, मगर तेरा शुकराना कभी पाऊंगी असी, तेरे अनंतम शुकराने मेरे गुरु महाराज, तेरे अनंतम शुकराने, शुक्र है मेरे दातिया, तेरा शुक्र है, बस इसी तरह तू सत्संग आदा नहीं गुरु महाराज, एवं संगत आदि सब का भला कर मेरे गुरु महाराज, सब की पुकार सुनी, सब का भला करी मेरे गुरु महाराज, सब की मनोकामना पूर्ण करी सच्चे पातशाह, जय गुरु महाराज, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरा शुक्र है। जय गुरु। सभी संगत अपने अपने स्थान पर बैठ गया, रास्ता जो सेवादारों के लिए छोड़ गए कि जैसे लंगर सेवा आराम से दे रहे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। देखिए गुरु जी का यह आदेश होता है तभी मैं बोल पाता हूँ। ये निवेदन मैंने पिछली बार अभी सोनिया आंटी के घर में सत्संग का तब भी किया था, फिर इंद्रजीत आंटी घर में सत्संग का तब भी, मैं संडे के संडे समय जा पा रहा हूँ, ये सभी के लिए मैसेज है। और मैं स्पेशली लखनऊ की संगत को जरूर चाहता हूँ इस चीज का, ये चीज पता चल जाए कि सत्संग और पार्टी में क्या डिफरेंट है। देखिए जब हमारे पास कॉल आती है सत्संग की, हम लोग के बहुत सब लोग बिजी शेड्यूल है, आज हर आदमी कहीं ना कहीं काम में फंसा हुआ है, लेकिन अगर आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया गुरु जी का बुलावा आ गया कि सत्संग में जाना है, तो देखिए प्लीज इतना जरूर सोचिए सत्संग में गुरु जी के आने से पहले पहुंच जाइए। जो लोग भी किसी भी कारण ट्रैफिक का एक्सक्यूज थे,
काम का एक्सक्यूज दे कि भाई हमारे पास है। मैं मोस्ट प्रोबेबली पुरानी संगत में भी देख रहा हूँ कि लेट आते हैं। पता है आप लोगों को, हम लोग जब स्कूल में स्टूडेंट थे तो हम लोग असेंबली में पहुंचते थे, उसके बाद पीरियड स्टार्ट होते थे। तो यहाँ तो महाशिव आके बैठ गए हैं और हम लोग बाद में आ रहे हैं। देखिए इसके तीन चीज होती है, जब बाद में आप आते हो ना तो सेवादार को आपको प्रसाद सर्व करने के लिए दोबारा जाना पड़ता है, और जो पूरा पहले संगत बैठी होती है उसका ध्यान हटता है। अगर एक बार में आप लोग सब आके बैठ जाओ और एक बार में ही प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो शब्द वाणी में आप लोग का ध्यान लगेगा। तो मैं बार बार यही बात कहता हूँ, बाकी तो लाना ले जाना गुरु जी का काम है। हो सकता है अभी गुरु जी आप लोग को 100 out of 100 मार्क्स नहीं देना चाहते हो। अगर इफ यू वांट टू टेक द 100% ब्लेसिंग फॉर माय गुरु जी तो आप आओ। मैं बार बार लोगों से, पिछली बार सत्संग में मैंने ये बोला, आज भी बोल रहा हूं, अगर आना है तो 15 मिनट पहले आके सीटिंग में बैठ जाओ। जय गुरु जी। और कोई संगत अगर सत्संग शेयर करना चाहती हो तो जरूर करें। लेकिन एक दिन मेरी भाभी की बहन ने मुझे बताया कि दीदी आप परेशान मत हो, गुरु जी बैठे हैं, वो कुछ ना कुछ हल निकाल देंगे। तब से मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया, गुरु जी का शुक्राना करना शुरू किया, और मेरा ऐसे केस निकला जब मैं बात करने गई उनसे, मैंने कहा गुरु जी आप मेरे साथ चलो, सीढ़ी उतरने लगी, मैंने कहा भोलेनाथ और गुरु जी आप मेरे साथ चलो, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। वो दोनों साथ में गए और मेरा उन लड़के वालों से इतना अच्छे से बात हुआ सारा, उन्होंने मेरा गोल्ड वापस किया, मेरे पैसे वापस किए, और घर में मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी नहीं कर रहे थे, वो डिप्रेशन में चले गए थे। अकेले ही मैंने सारी उनसे बातें की, सारा कुछ हमने किया, हमारा म्यूचुअल हुआ और कोर्ट केस भी नहीं हुआ हमारा, आराम से कोर्ट में जाके 2 दिन में हमारा डाइवोर्स हो गया बेटी का मेरे, और सितंबर में डाइवोर्स हुआ, और गुरु जी की कृपा से 7 दिसंबर को मेरी बेटी की दूसरी शादी हो गई। वो अपने घर बहुत सुखी, बहुत सुखी। सबसे अच्छा तो ये था सितंबर में हुआ, अक्टूबर नवंबर और 7 दिसंबर को मेरी बेटी की शादी हो गई। 7 दिन 7 तारीख गुरुजी के इन्वॉल्वमेंट के बिना हो ही नहीं सकता। बस तब से मैंने गुरुजी का लाड पकड़ लिया, मैंने कहा गुरुजी कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा, मैं नहीं छोड़ूंगी आपको। गोल्ड वापस आए ना आए, शादी दूसरी हो गई और अच्छी हो गई, ये बहुत इम्पोर्टेंट, और अच्छी तरह निपट गई, ये सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट। दौड़ भाग करने आ रही है, आप बता रही है ना कि डिप्रेशन में, मैंने पहली बार देखा है आंटी को, ज्योति ज्योति पहले बता रही थी मैं आ जाती, ये थोड़ा मैं नहीं मानती गुरु जी को, तो मैं वहाँ आ भी नहीं सकती थी, कहती नहीं थी जो संगत नहीं मानती, तो ऐसे पता नहीं, फिर मैं थोड़े गुरु जी के टेस्ट भी लेते रहती थी, लोगों से पूछती रहती थी गुरु जी क्या है, मतलब कैसे है गुरु जी, वही जैसे नॉर्मल सब होते हैं जो हम लोग सुनते रहते हैं। तो वैसे मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिला, जिससे पूछा कि गुरु जी से जोड़ रहे हैं, भगवान से गुरबानी से ही तो जोड़ते हैं, तो क्या मतलब, कोई मुझे नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला, अच्छा ही मिला इनके लिए। तो वन फाइन डे ऐसे हुआ कुछ, उसके घर नहीं उसके आसपास कहीं शहद वर्षा हुई और उसने मुझे बताया उसका महत्व। मेरे घर गुरुजी का स्वरूप 4 साल से है, मैं गई थी बड़े मंदिर और मैंने उसे फ्रेम नहीं कराया था क्योंकि मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं था, वो पड़ा हुआ था, ऐसे थोड़ा फोल्ड भी था। तो मैंने अपने मन में एक रूम में बैठे सोच रही थी, मेरे मन में उसी समय फीलिंग आई कि यार सब इतना मानते हैं तो इसको फ्रेम करा लेते हैं, और ये मैं एक रूम में सोच रही हूँ, मेरी बेटी दूसरे रूम से वो स्वरूप लाई, मम्मी ये पापा को दे दो, ये स्वरूप करा दे, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। नेक्स्ट डे गुरुजी घर पे मतलब फ्रेम में आ गए। मैंने फ्रेंड को फोन किया, यार अब बता तुमने अपनी सत्संग कोई लखनऊ की बता, संगत बता मेरे को, तो मैं उनसे पूछू, कहती फिर आप वेलकम करना, कड़ा प्रसाद बना लेना। फिर मैंने कड़ा प्रसाद बना लिया, वेलकम किया, उस दिन तो कुछ नहीं मतलब नॉर्मल जैसे मैं जितना कर पाई हूँ। फिर मैंने मेरी बेटी लाइक आफ्टर अ वीक और 10 डेज मेरी बेटी एग्जाम में फर्स्ट आई, तो मैंने कहा चल गया तो शुक्राना बनता है गुरुजी का, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी के आगे कड़ा प्रसाद का भोग लगाया तो उसमें तो साफ गणेश जी दिख रहे हैं, तो बड़ी सरप्राइज हो गई। मैंने कहा इधर आ जरा देख तुझे कुछ दिख रहा है, तो वो कहती हाँ मम्मी गणेश जी है। ध्यान से देखा तो नीचे इक्के ओंकार भी था और ओम भी था। मैंने कहा गुरुजी, और सुबह मेरे मन में ये भी था कि मतलब कि हम लोग सिख हैं तो सही है ना, मतलब इनको एक मन में जैसे एक थोड़ा सा रहता है, कहीं ना कहीं चलता रहता है, तो इक्के ओंकार भी आया, ओम भी आया और गणेश जी भी आया। उस दिन मॉर्निंग में मेरी बेटी ने कहा था
कि मम्मी ये गणेश जी लग रहा है घर में आ गए दोबारा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने गणेश चतुर्थी में एक बार गणेश जी घर लाए थे, तो मेरी बेटी ना पूरा दिन कुछ ना कुछ उनको खिलाती रहती थी, बना बना कहती मम्मी आज खीर बनाऊं, थोड़ी देर बाद रिजल्ट आ गया, मैंने कहा कड़ा प्रसाद बना आप चुपचाप, गुरु जी को कड़ा प्रसाद पसंद है। खैर उसने नहीं बनाया, बनाया मैंने, लेकिन सबके जवाब वही आ गए, गणेश जी भी उसी में आ गए, इक्योकार भी आ गए, वो मेरा जवाब था, गणेश जी उसका जवाब, कि उसने गणेश जी के भाव में देखा उसको और ओम था उसमें। फिर मेरी अभी एनिवर्सरी थी, फिर वो आफ्टर 10 डेज ओनली जब मैंने वो करा था फर्स्ट सत्संग, फिर मन में आया कि चल यार सत्संग करते हैं। फिर मैं गुरुजी से, मेरे घर चरण स्वरूप नहीं थे अब है, उस समय नहीं थे, 25 नवंबर की बात है, तो मैं वहां रोई जाऊं आगे बैठे, अभी आपके चरण स्वरूप चले जाएंगे, अभी चले जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगी, ये तो गलत बात है, आपके चरण स्वरूप चले जाएंगे। जैसे ही कड़ा प्रसाद का कैसोर खुला, चरण स्वरूप गुरु जी के चरण स्वरूप, और जगह जगह जो मैंने छोला डाला था सब जगह चरण स्वरूप गुरु जी के, और एक जगह गुरु नानक देव जी के दर्शन होते और गणेश जी के, कुछ सत्संग संगतियां आई भी होगी जिन्होंने देखा, गुरु नानक देव जी दो मोर दिख रहे थे और चरण स्वरूप था बहुत ज्यादा, 8-10 जगह कड़ा प्रसाद में भी, और जो हम लोगों ने मतलब छोला गुरु जी के लिए सजाया था उसमें भी खूब सारे चरण स्वरूप मुझे दिखे, तो गुरु जी ने कहा लेना तेरे पास ही हो, बस यही है, अब तो बहुत प्यार हो गया गुरु जी से, अब तो कोशिश रहती है, टरले भैया को तंग करती रहती, कोई सत्संग हो तो बताओ, मुझे कोई मैसेज नहीं आता, बस अभी तक तो यही है, पर लव यू गुरु जी, अब मानती हूँ मैं बिल्कुल। लेकिन ये कब होगा, ये तब होगा जब उठक बैठक सोवत जागत अहमन दिखेगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको गुरु जी से जुड़ेंगे आप, जब ही हो सकता है, आप गुरु जी को जोड़ने के लिए जब तक अपने मन में इनको धारण नहीं करोगे तब तक आप इनको जोड़ नहीं सकते हो। सोल टू सोल कनेक्शन आपका इनके साथ मन सुगम होगा, तभी आप जोड़ सकोगे, अदरवाइज इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए आप हमेशा इनका चिंतन करिए, इनका स्मरण करिए, इनको हमेशा अपने मन में धारण करिए, इनके कहे हुए वचनों पे चलिए। सच्ची सेवा गुरु जी की यही है कि इन्होंने जैसे कहा है, जो जो कहा है अपने फिजिकल फॉर्म में, उसको आप फॉलो करो। सच्ची सेवा गुरु जी की यही है, और जब ही वो आपसे जुड़ेंगे, मैं तो ये जानता हूं। और रही बात इसकी कि इन्होंने कहा है कि फैमिली का अगर एक भी बंदा मेरे से जुड़ता है तो पूरी फैमिली पर मेरी ब्लेसिंग उसके ऊपर है।